दिस इज आकाश वर्मा, वेलकम टू यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल इजी फैक्ट्स, जहां पर हम समझाते हैं टॉपिक्स को बहुत कंसेप्ट के साथ और आसान तरीके से। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट एंड इट्स टाइप्स एंड कंपोनेंट। और इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है, क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पढ़ना, एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी लेना क्यों इम्पोर्टेंट है, सेकंड चीज हम ये देखेंगे, देन हम इसके टाइप्स देखेंगे और इसके सब डिविजन्स या इसके कंपोनेंट्स हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट की बात करते हैं। बेसिकली एनवायरनमेंट की डेफिनेशन अपन ने बहुत बार पढ़ी है ना, कहते हैं इट इज सराउंडिंग, जो भी चीजें आपको घेरे हुए हैं उनको हम हमारा एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो भी चीजें आपको सराउंड कर रही हैं वो आपके ऊपर इफेक्ट डालती हैं, या तो वो आपके लिए जरूरी है फॉर योर सर्वाइवल हो सकती हैं, आपकी बेटर लाइफ हो सकती हैं, है ना, या वो किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है। इसीलिए हमारी जो सराउंडिंग है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जानना, तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंस है। अब जब हम एनवायरमेंट को बुकिश टर्म में पढ़ते हैं तब हमको एक अलग सी चीज जो देखनी है, इसके फर्दर जो टाइप्स होंगे वो हम देखने की कोशिश करेंगे अभी आज। तो देखिए ये है हमारा एनवायरनमेंट, इसके बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है बायोलॉजिकल, एक होता है हमारा कल्चरल पार्ट। फिजिकल पार्ट में हम मोस्टली जो हमारी मेनली जो हमारी अबायोटिक चीजें हैं यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी आती हैं उन सबको हम इसमें कवर करते हैं। बायोलॉजिकल जैसा नाम से पता पड़ रहा है बायोलॉजिकल है, तो वहां पर कुछ लिविंग चीजों के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। कल्चरल एक अलग एस्पेक्ट है, ये चीजें हमारे सर्वाइवल पर इफेक्ट डालती है, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं कह सकते कि इनके बिना हमारा लाइफ ही नहीं चलेगी, लेकिन अभी ये हमारी लाइफ को बहुत हद तक इम्पैक्ट करने लगी, इसलिए हमें ये वाला एस्पेक्ट भी एनवायरनमेंट का देखना होता है। तो हम देखते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है, जिसमें मैंने आपको कहा कि जितनी भी अबायोटिक चीजें होती हैं यानी कि नॉन लिविंग चीजें, वो सारी इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहला है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब जो भी अर्थ पर या अर्थ के सराउंडिंग में गैसियस पोर्शन जो है, जितने भी टाइप्स की गैसेज आपने सुनी होंगी, है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी, तो वो सारा का सारा गैसियस जो पोर्शन है एक्चुअली में, उसको हम किस में रखते हैं, एटमॉस्फेयर में रखते हैं। देन हाइड्रोस्फेयर, तो नाम से पता पड़ रहा है हाइड्रोस्फेयर, समथिंग रिलेटेड टू वाटर, तो जो भी पानी वाला पोर्शन है हमारी अर्थ पर उसको हम किस में रखते हैं, हाइड्रोस्फेयर में रखते हैं। पानी वाला पोर्शन क्या हो सकता है, जैसे हमारे ओशियंस हो गए, है ना, जैसे हमारी रिवर्स हो गई, ग्लेशियर्स हो गए, आइस कैप हो गए, तो ये सब पानी से रिलेटेड है। तो ये जितना भी पोर्शन अर्थ के ऊपर पानी से रिलेटेड है या पानी वाली क्वांटिटी है, इसको हम कहाँ रखते हैं, हाइड्रोस्फेयर में रखते हैं। देन सेकेंड पार्ट है लिथोस्फेयर। तो देखिए हवा, पानी की बात हो गई, अब तीसरी चीज क्या बचती है हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, जमीन। तो जितना भी सॉलिड पोर्शन अर्थ के ऊपर पाया जाएगा, है ना, सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, जमीन जिसको हम कहते हैं, वो कहलाता है हमारा लिथोस्फेयर। इसके अंडर आता है सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। तो ये हमारे फिजिकल जो है एनवायरनमेंट के टाइप और उसके सब कंपोनेंट्स, सब डिविजन हमने देख लिए। सेकेंड हम बात करते हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की। तो जैसा कि मैंने नाम से बताया कि बायोलॉजिकल में हम क्या देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे लिविंग चीजों के बारे में, या जिसको हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहला आता है फ्लोरल। फ्लोरल का मतलब जो प्लांट वाला पोर्शन है आपके पास में, चाहे जिस भी टाइप के प्लांट हो, जमीन पे लग रहे हो, पानी के अंदर, आपने देखा है ओशियंस में भी बहुत सारे होते हैं, वो वाले प्लांट्स हो गए, तो जितना भी प्लांट वाला पोर्शन है एक्चुअली में, उसको हम किसमें रखते हैं, हमारे फ्लोरल एनवायरमेंट में काउंट किया जाता है। सेकेंड है हमारा फॉनल एनवायरमेंट। फौना में आता है मेनली जो एनिमल्स आप देख रहे हो, एनिमल्स जितने भी, जिन्हें आप एनिमल के नाम से जानते हो, और बेसिकली एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ह्यूमन इज एन एनिमल ऑल्सो, ठीक है, तो हम भी और बाकी जितने एनिमल्स आप देख रहे हो वो सबके सब इसमें फौनल पार्ट में आ जाते हैं। देन है माइक्रोबायल। माइक्रोबायल तो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में देखा होगा, तो बहुत छोटे छोटे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। थोड़े दिन टाइम पहले हमारे पास कोरोना नाम की चीज आई थी, आप वेल अवेयर होंगे उसके बारे में, है ना, तो वो क्या था, वो दिख नहीं रहा था। माइक्रो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमें इस नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस है, वो भी लिविंग चीजें हैं और उनका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होता है। तो वो जो बैक्टीरिया वायरस लेवल के जो जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम किस में रखते हैं,
माइक्रोबायल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे दो एनवायरमेंट के टाइप्स हमने देखे, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल पार्ट। अब कल्चरल पार्ट, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एटमॉस्फेयर होना, गैसियस पोर्शन होना हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। आपको ऑक्सीजन की जरूरत है ना, हाइड्रोस्फेयर लिक्विड की आपको जरूरत है, पानी की आपको जरूरत है, इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लिथोस्फेयर सॉलिड पोर्शन, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये जो तीनों चीजें हैं जो कि नॉन लिविंग है, लेकिन ये हर एक लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। सेकेंड चीज, जैसे हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ये फ्लोरल, इसमें हम देख रहे हैं कि लिविंग बींग्स कितने टाइप्स होती हैं, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब इनमें भी डिपेंडेंसी है। फ्लोरल मतलब प्लांट्स की हमने बात करी। प्लांट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है आप जानते हैं, क्योंकि उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, उनसे हमें खाने पीने की चीज मिलती है। दे प्रोड्यूस एंड देन अदर लिविंग बींग्स कंज्यूम द थिंग्स व्हाट द प्लांट प्रोड्यूस। ठीक है, तो इनके ऊपर भी हमारी डिपेंडेंसी है। फौना फौना एनिमल्स है, एनिमल्स के आपस में भी ऊपर आपस में भी इनकी इंटरडिपेंडेंसी होती है, जरूरी है हमारे लिए, है ना। ये माइक्रोबायल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बीमारी फैलाता है। कोरोना का एक नाम लिया हमने, वो एक बीमार करने वाला वायरस था, दैट्स व्हाई वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज थी। लेकिन हमारी बॉडी में या हमारा मेटाबॉलिज्म चलने में, इसमें भी हमें कई सारे बेनिफिशियल जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे लिए, वो जरूरी होते हैं। तो हमारे इंटेस्टाइन में कई सारे टाइप के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं लास्ट हमारा जो कंपोनेंट है, कल्चरल पार्ट। तो देखिए, कल्चरल में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सोशल। सोशल जैसा कि ह्यूमन इज एन एनिमल, ये तो आपको पता है, लेकिन ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल एज वेल। ठीक है, सोशल क्यों? हम एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से भी हमारी काफी सारी जरूरतें जुड़ी हुई है ना। तो वो भी हमें इम्पेक्ट करती है। आज आपके सराउंडिंग में, जैसे क्लासरूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके पास वाला क्या कर रहा है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए? हो सकता है कि वो आपको हेल्प कर रहा हो पढ़ने में, हो सकता है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो। तो इसी तरीके से जो सोशल हम देखते हैं और लोगों को हम देखते हैं, जो सोसाइटी हम फॉर्म करते हैं, उनका भी हमारी लाइफ पर एक बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। दैट्स वाई हमको ये भी समझना जरूरी है कि सोशल कल्चर कैसा है, सोशल एनवायरमेंट आपका कैसा है। सेकेंड चीज है इसमें पॉलिटिकल एनवायरमेंट। देखिए, पॉलिटिकल एनवायरमेंट तो देश की जो सरकारें हैं, जो सरकार है एक्चुअली में, वो काफ़ी कुछ आपकी या हम सबकी लाइफ पर इम्पैक्ट डालती है। उनकी पॉलिसीज बनाई गई क्या है, किस चीज़ों पर, किस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में ध्यान दे रहे हैं, है ना, किस बिजनेस सेक्टर को उठने का मौका मिलेगा, आपकी एजुकेशन में फर्दर क्या होगा, डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, इन सब चीज़ों पर भी हमारी लाइफ बहुत हद तक डिपेंडेंट है। तो जो पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, वो भी हमारी लाइफ को बेटर भी कर सकता है, और अगर वो ठीक काम नहीं कर रहे तो ये हमारी लाइफ को वर्स भी कर सकता है। फिर लास्ट है इकोनॉमिकल। तो ये पैसे वाली बात है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, हमारे सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है ना, और बेटर लाइफ के लिए भी जरूरी है। तो इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे हम कंट्री की बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी मतलब क्या, इकोनॉमिक्स ही बात कर रहे हैं, कितना पैसा हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, हर साल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, चाहे बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप स्टडी करें, लेकिन ये इकोनॉमिकल फैक्टर हमेशा आपको घेरे रखता है, इसीलिए हमको इकोनॉमिकल फैक्टर भी देखना जरूरी है। तो ये थे हमारे लास्ट हमारा कल्चरल पार्ट, और अभी हमने देखा कि एनवायरमेंट क्या होता है, ये हमारी सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं उसे हम एनवायरमेंट कहते हैं। इसके तीन बेसिकली टाइप्स हैं और उसके ये कंपोनेंट्स हैं। फर्दर आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।